हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इग्नू का ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे सबमिट होता है, जो कि अभी कोरोना की वजह से सभी रीजनल सेंटर, सभी स्टेट का ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट ले रहे हैं। अब बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है जो ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं सबमिट, उनको पता नहीं है, तो इसी की वजह से। तो मैं सबसे पहले, आप जो भी स्टेट में है उस स्टेट का नाम दे, जैसे टाइप एग्जांपल के लिए मैं बिहार इग्नू डालता हूँ, तो इसमें पहला देखिए जो भी है इसमें आया है, पहला लिंक जो है वो बिहार का ही है, जैसे पटना जो रीजनल सेंटर देख सकते हैं सामने है। उसके बाद और नीचे देख सकते हैं, जैसे एक और आता है बिहार का रीजनल सेंटर जो कि दरभंगा है, देख सकते हैं यहाँ वेलकम टू दरभंगा इग्नू लिखा हुआ है, ये पटना का है। तो मुझे बिहार का नहीं, मैं कोलकाता से हूँ, तो मुझे कोलकाता का रीजनल सेंटर चाहिए, तो मैं कोलकाता और इग्नू इसी तरह लिखिए। देखिए यहाँ फर्स्ट जो लिंक है वेलकम टू इग्नू कोलकाता रीजनल सेंटर, उस पर आप क्लिक करेंगे क्योंकि यही हमारे कोलकाता का रीजनल सेंटर का वेबसाइट है। तो आप जो भी हैं, आप स्टेट का अपने अनुसार देख सकते हैं कौन सा स्टेट का है, आपको जो स्टेट का चाहिए उस स्टेट का नाम देकर और इग्नू लिखिएगा, अगर नहीं होगा तो रीजनल सेंटर लिखिएगा, आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं हेल्प करूँगा। उसके बाद देखिए ये कोलकाता रीजनल सेंटर का साइट खुल गया है, तो जो भी आपका रीजनल सेंटर का साइट होगा वहाँ लिखेगा कोलकाता रीजनल सेंटर जैसे लिखा हुआ है, उसे उसी टाइप के लिखेगा। उसके बाद देखें यहाँ नीचे में या इवेंट या न्यूज़ में देखेंगे, इवेंट या न्यूज़ में यहाँ बहुत सारा अपना डिटेल्स है, आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ इवेंट एंड न्यूज़ में आएंगे तो लिखा हुआ ऑनलाइन सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन लिखा हुआ है, तो उसके नीचे देख सकते हैं लिस्ट है जो कि आप जो भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके अगले दिन ये एक लिस्ट इशू हो जाता है जिसमें आपका पूरा डिटेल्स लिखा होगा पिछले दिन का। मतलब अगर आप आज सबमिट करते हैं तो आप कल चेक कर सकते हैं अपने नाम, इसमें लिस्ट में ऐड हो जाएगा। पर दिन मैंने हर दिन ये अपडेट होता है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ डेट भी मेंशन दिया हुआ, देखिए 29, जो कि जो भी 28 को जमा किए हैं उनका लिस्ट 29 को दिखेगा, और जो भी 30 को जमा किए हैं उनका 31 को दिखेगा। तो इस टाइप से आप ना देख सकते हैं, अगर आप 30 को जमा करते हैं तो आपका 31 को लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका जो भी साइट है उसमें न्यूज एंड इवेंट में जाए तो ऐसा लिखा रहेगा, या अनाउंसमेंट में भी देख सकते हैं कोई कोई रीजनल सेंटर का, चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें पूरा मेंशन डिटेल्स किया हुआ है। हाँ, अगर फ्रेंड्स अगर आप अपना असाइनमेंट स्टडी सेंटर में जाके ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं या ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं तो आप प्लीज़ दोबारा सबमिट ना करें, क्योंकि आपका डुप्लीकेट यानी दो बार सबमिट हो जाने के बाद वो मार्क्स नहीं देता है, कभी कभी मार्क्स ऐड नहीं होता है, तो मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर आपका ऐड नहीं हो पाएगा, तो आप इसमें दोबारा सबमिट ना करें। ऊपर देखें क्लिक हियर टू सबमिशन लिखा हुआ है, तो ये है फर्स्ट ईयर का जो कि 2020 यानी जून 2020 एडमिशन लिए थे उनके लिए, और जो सेकेंड ईयर है यानी जो 19 में एडमिशन लिए थे 19 जून सेशन में, तो उनके लिए नीचे वाला है क्योंकि फर्स्ट वाला पे वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट। तो ये अल्टरनेटिव जो लिंक है वो है सेकेंड ईयर का, जो कि जो उन जो 19 का जून में लिए हैं 2019 का, और जो 2020 में एडमिशन लिए हैं जून सेशन में, तो उनके लिए ऊपर वाला है फर्स्ट वाला है। तो आप अपने अनुसार देख ले, आप जो भी हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी ईयर का स्टूडेंट है, कौन सा सेशन है उसके अनुसार अपना लिंक पे क्लिक कर लें। उसके बाद देखें यहाँ ये पेज ऐसा
पेज आपके सामने खुल जाएगा, या अपने फ़ोन और लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी हो उसमें आप देख सकते हैं, खोल सकते हैं। यहाँ देखें, सबमिट स्कैन यानी हैंड रिटन असाइनमेंट आप अपलोड करना होगा। ये पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करके अपलोड करेंगे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप उसे प्लीज़ अपने हैंड राइटिंग में लिखने का कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी कोई टीचर लिखा हुआ मिलाता है राइटिंग आपका, जो भी एग्ज़ाम का अगला सेशन में जो भी एग्ज़ाम देंगे आप नेक्स्ट ईयर में, तो उसका राइटिंग और असाइनमेंट का राइटिंग मैच होता है, जिसके वजह से नंबर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तब अपना असाइनमेंट खुद से ही लिखने का कोशिश करें, और पीडीएफ का जो भी नेम है वो अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर अंडर स्कोर अपना जो भी सब्जेक्ट कोर्स कोड है, सब्जेक्ट का कोड है वो दें। तो इस टाइप से आप नंबर दे सकते हैं, तो आप ध्यान से सबमिट करें, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। यहाँ पूरा डिटेल्स लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, A to Z डिटेल्स दिया हुआ है, आप अच्छा से एक बार पढ़ लें पूरा, उसके बाद ही आप अपलोड करें, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, मार्कशीट में ऐड नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यहाँ ईमेल आईडी है, तो देखिए अपने फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी साइन इन होगा तो उसी ईमेल आईडी से यहाँ साइन इन हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो ले लेगा, लेकिन मेरा ये साइन ईमेल आईडी नहीं है, तो इस स्विच अकाउंट पर क्लिक करके मैं इसे चेंज करूँगा। तो आप उसके बाद आपका जो भी है उसे आप कर लें, मतलब आपका जो भी अकाउंट है उसके माध्यम से उसी से ही आप सेंड करने का कोशिश करें। लेकिन अगर नहीं है साइन इन लॉगिन नहीं है, कभी कभी होता है साइबर का पे से कराने पे वो अपना ईमेल आईडी दे देता है, तो जिसकी वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो ईमेल अकाउंट से साइन इन है तो वही देने का, उसी से साइन इन रहे। तो आप ये एक बार चेक कर लें, इस अपना नाम देखने के बाद, ईमेल आईडी स्विच करने के बाद अपना नेम टाइप कर लें, इसमें आपका डिटेल्स सही सही डालें, जो कि जो भी इग्नू के रिकॉर्ड में है वही रिकॉर्ड यहाँ दें, उससे बिल्कुल अलग ना दें। अपना यहाँ नाम टाइप कर लें और ईमेल आईडी सब जो भी इसमें पूछ रहा है वही टाइप करें, लेकिन जो इग्नू के रिकॉर्ड में है वही दें। तो इसमें यहाँ ईमेल आईडी दे दिए हैं, उसके बाद यहाँ अपना नाम डाल दें। उसके बाद देखें यहाँ स्टडी सेंटर कोड है, तो स्टडी सेंटर कोड आपको पता है, तो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं, कि ये अपने रीजनल सेंटर जो भी है आप रीजनल सेंटर उस पर क्लिक करें, और उस साइट पे देखें एक स्टडी सेंटर बोल के एक ऑप्शन कॉलम है, देखें उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा लिस्ट खुल जाएगा उस स्टेट का, उस रीजनल सेंटर के अंदर में जितना भी स्टडी सेंटर आता है उसका एक पूरा सा लंबा सा एक लिस्ट खुल जाएगा, जिसमें आप कॉलेज का नाम प्लस कोड और सब्जेक्ट उसमें कौन कौन सा है ये देख सकते हैं उसमें, तो उससे आप अच्छा से देख के और कोड सही सही से फिल करें, क्योंकि अगर स्टडी सेंटर का कोड गलत दिए हैं तो आपका मार्कशीट में प्रॉब्लम होता है, आपका जो मार्क्स नहीं ऐड होता है, क्योंकि वो पेपर दूसरे रीजनल सेंटर में चला स्टडी सेंटर में चल जाता है, तो जिसके वजह से वो पेपर चेक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड नहीं रहता है, और जिसके पास रिकॉर्ड रहता है उसका पेपर वहाँ जाता नहीं है, तो जिसके वजह से वो ऑब्सेंट कर देता है। तो ये ध्यान से अपना देख ले, देखिए बीच में कोड दिया है, सब्जेक्ट दिया है और नेम दिया है, तो अपना कॉलेज का जो भी नाम है उसके अनुसार यहाँ फिल कर ले। तो ये अपना मुझे पता है तो मैं देता हूँ 2842, ये भैरव गांगुली का है कोड। उसके बाद प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट का एक कोड होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का है तो BPSC 101, जो भी है आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो मैं BECS 184 दूंगा, क्योंकि मेरा डाटा एनालिसिस है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद
फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर बाद में देंगे, उसके पहले देखते हैं यहाँ अपलोडिंग का। देखिए यहाँ 10 MB से कम बोला है फ़ाइल, जो कि 10 MB से ज़्यादा फाइल होने पे PDF का साइज 10 MB से बड़ा होने पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब रीजनल सेंटर का अलग अलग सा है, तो इसका 10 MB मैक्सिमम ले रहा है। तो देखिए मेरा ये PDF, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मेरा PDF है जो कि अपलोड करना है। तो देखते हैं इसे प्रॉपर्टी, इसका साइज़ देख लेते हैं एक बार कितना है। तो देखिए यहाँ 14 MB का है, तो 14 MB का है, तो ये जिसके वजह से ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इसे छोटा करना होगा, जो कि MB कम करना होगा। तो जो आप जो भी फ़ोन या लैपटॉप जो भी हो उसमें सर्च करें आई लव PDF, ये लिखते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें देखिए कंप्रेस फाइल होगा, तो कंप्रेस फाइल यानी आपका फ़ोन में 3 नंबर यानी थर्ड नंबर पे दिखेगा। तो मैं या तो आप नहीं दिखेगा आपको, तो आप ये ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करते ही देखिए यहाँ कंप्रेस फाइल 3 नंबर में आ रहा है, देखिए उसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ कंप्रेस फाइल सेलेक्ट योर PDF फाइल, यहाँ से सिलेक्ट कर लें आपका जो भी फाइल है, PDF फाइल जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। देखिए यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए ये ऐसे आएगा, तो नीचे देखिए कन्वर्ट कंप्रेस PDF लिखा हुआ है, तो उस कंप्रेस PDF पर क्लिक करें। देख सकते हैं कंप्रेसिंग हो रहा है, देखिए कंप्रेस हो चुका है, जो कि 14 MB का था, 14.75 MB का था, जो कि 5 MB का हो गया था। तो आप इसे 5 MB का हो गया तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कंप्रेस PDF पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा आपके फाइल में। फ़ोन या कंप्यूटर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ से क्लिक कर लें, अपलोड कर लें। देखिए अपलोड है ये, इसे यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ फ्रेंड्स यहाँ कंप्रेस्ड लिख रहा है, जो कि कंप्रेस्ड है, तो ये इसमें लिखा बोला नहीं है कि कुछ भी लिखने के लिए इस फाइल का नेम, तो मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। तो देखिए ये ऑलरेडी एक नाम से है, तो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो उसके पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, पहले वाला फाइल को डिलीट करने के बाद। उसके बाद आप इसे रीनेम कर सकते हैं, एक ही नाम से दो फाइल नहीं हो पाता है, इसी की वजह से नहीं हो रहा है। देखिए अब हो जाएगा, देखिए सेव हो चुका है, इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से देखिए सिलेक्ट कर लें। देखिए सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा, नीचे अपलोड पर क्लिक करें। देखिए यहाँ ये अपलोडिंग हो रहा है, देखिए अपलोड हो चुका है, देखिए अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर जो बचा हुआ है वो फ़ोन नंबर दे देंगे हम, आप अपना फ़ोन नंबर दे दें। देखिए उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करें, देखिए सबमिट पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ सक्सेसफुली आपका असाइनमेंट सबमिशन हो चुका है। तो ऐसे करके आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो आज हम के वीडियो में हम लोग देखें कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कैसे करते हैं, और वीडियो का जो फाइल जो PDF का साइज़ है वो छोटा कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमेशा मैं ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियो लाता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसके वजह से आप यहाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं डेली शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ,
तो आप उसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।